यहाँ लग रहा है। क्या बात है, सोया ही था इसके सपनों में और उसका कौर इन कानों को चूम। क्या बात, साउंड चेक करेंगे एक बार, प्राप्ति के लिए तालियां बजा दे, इन्होंने माइक पहुंचाया आपका, एक बार जोरदार तालियां बजा दे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बॉलिंग के दरमियान में मौजूद है तो प्लीज लोगों को बैठाएं। Or is the name of the song is Bal Mareo? So in the song you will get to listen the poetry by Rasul Meer. And Rasul Meer, jinko John Keats of Kashmir bola jata hai, aur Bahadur Shah Zafar. Yeah.
फन। The quantum of waste we create as human beings, and plastic is one of those wasteful materials that is so toxic and harmful to the environment. Waste and encouraging people. I think जैसे हमको दिखने लग जाए ना तो वो खुद से वो यूज इस्तेमाल करना बंद नहीं तो नहीं कम बहुत हो जाता है. So I haven't used a single plastic bottle in 5 years. I never use a plastic bag. And मैंने जितनी भी चीज़ें घर पे जो मैं switch कर सकती हूँ from plastic to natural, I've made that switch. क्या बात है? इसको कहते हैं life with a purpose. No, you have to change yourself first before you expect anybody else to change. एक इंग्लिश में कहावत है कि देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, वन द डे व्हेन यू वर बॉर्न एंड द डे व्हेन यू रियलाइज व्हाई. सो हमें अपने पर्पसेस ढूंढने हैं. एक बहुत प्यारी बात मुझे लगी, आप याद है मैंने उनसे बात बोली थी कि हमारे सबकॉन्टिनेंट में एक तो ये कि बच्चे के नाम में माँ का नाम जनरली लोग नहीं रखते हैं, रखना चाहिए. और दूसरा ये कि आज़ाद, ये जो तखल्लुस होते थे या ये जो नेम्स होते थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल या कोई अपने नाम में इस तरह का नाम डालता था जिसमें एक वर्ड उसकी पर्सनालिटी या उसके रेजोल्यूशन के बारे में बताता था या उसके पर्पस के बारे में बताता था. आज़ाद रखने का मायने, वजह, लार्जर पर्पस क्या है? 2 साल पहले मैंने अपने हाथ पे ये टैटू लिखवाया था, हिंदी में लिखा है पर दिखता उर्दू है और लिखा है आज़ाद. और मैंने ये इसलिए करवाया था, आई हैव नो अदर टैटूज, इज द ओनली टैटू आई हैव. मैंने ये इसलिए करवाया था क्योंकि आई डिस्कवर्ड समथिंग दैट वाज वेरी पावरफुल एंड इट रियली चेंज्ड माय लाइफ एज अ वुमन एस्पेशली. आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कवर दिस. आप मेरे सामने बैठकर मुझे इस बात को कहने के लिए कह रहे हैं जो मैं कहीं नहीं सह सकती. इट्स समथिंग दैट्स बियॉन्ड मी. सो आई थिंक द आइडिया रियली और द ट्रूथ कम्स अक्रॉस व्हेन यू बिलीव इन द रियलिटी ऑफ द कैरेक्टर एंड यू आर कन्विंस्ड योरसेल्फ दैट दैट इज योर ट्रूथ एंड इट्स ओनली देन दैट यू कैन कन्वे. बट व्हाट आल्सो जिन्होंने भी उनका खाना बनाया उनको थैंक यू बोल देते हैं. सो वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस ग्रेटिट्यूड दिस वे एंड आई थिंक इफ आवर चिल्ड्रन कैन बी 3 थिंग्स, वन इज हेल्थी विच इज व्हाई आई सेड साफ हवा, साफ पानी, पानी के लिए हेल्थी फूड. द सेकेंड इज काइंड एंड द थर्ड इज एम्पैथेटिक
I think they'll be good. Hello. भाई नाउ कुमार विश्वास के बाहर दिया मिर्जा प्रोग्राम है उसमें लेट मी टेल यू व्हाई आई वेंट टू वन इवन दो आई डिड नॉट ग्रो अप सेल्फ कुमार विश्वास के हिंदुस्तान में दिया मिर्जा प्रोग्राम दिया मिर्जा रियली अनवेल बिफोर शी केम ऑन टू स्टेज एंड लुक एट हाउ शी इज कंडक्टेड दिस एंटायर कन्वर्सेशन प्लीज गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज ये मुझे नहीं मालूम ये मेरे लिए प्यार है या इनका प्रोफेशनलिज्म है लेकिन क्लियरली इट इज हर प्रोफेशनलिज्म एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू थैंक यू फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन डिस्पाइट बीइंग अनकंफर्टेबल थैंक यू ऑलवेज माय प्लेजर दिया ऑलवेज माय प्लेजर शाम को 5 बजे मुशायरा है मैं पढ़ रही हूँ चले आइएगा भाई थोड़े आप लोग सब आएंगे नई नज़में लेकर आई हूँ एंड ट्राई इफ अगर आपको जाना ना हो तो आप भी आइएगा दिया आई विश साथ में मिलके नहीं नहीं अभी क्या हाउ वाज योर डे प्लान्ड I'm going to go and meet some young change makers. Wow. 15 of them who are doing some very powerful environmental action. And then I'm going to catch a flight back to Bombay to my babies. Amazing. Big hand for her. Thank you. Thank you. ये नज़मों का तर्जुमा है जो अंग्रेज़ी में प्रोफेसर अनीसुर्रहमान साहब ने किया है और नज़मों की जितनी असनाफ हो सकती हैं उसमें रुबाई है मरसिया है और दूसरी चीज़ें हैं वो सब का उन्होंने अहाता किया है और ये 300-400 साल का जो एक खूबसूरत सफ़र है नज़मों का उसको 500 साल का तकरीबन जो एक नज़मों का एक सफ़र है उस पर उन्होंने काम किया है और मैं समझता हूँ कि नॉन उर्दू रीडर्स के लिए बिल्कुल कर सकते हैं तो ये रुबाई है वली दखनी वली गुजराती के ये हस्ती है मोहूम दिसे मुझको शराब पानी के ऊपर नक्श है ये मिसले हबाब ऐसे के ऊपर दिल को न कर हरगिज बंद आपस को न कर खराब ए खाना खराब हाँ। अब इसका तर्जुमा सुनिए That to me, this elusive existence is but a mirage. Mirage of a bubble on the water's face, but a montage. For such a deceptive sight, don't ever spoil your being. This mutuality, oh spoilt one, this bond of seeing. Makhainka. So, bahut khoobs, Anish saab. और आई विल क्विकली रिक्वेस्ट यू कि आप एक आध पढ़ते हैं बहुत शुक्रिया आपने एक बहुत अच्छी रुबाई सुना दी हमारे ऑडियंस को दोस्तों मैं बताऊं रियाज साहब उर्दू के शायर हैं आर्ट हिस्टोरियन हैं आर्किटेक्ट हैं कोई 2 दहाइयों तक अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है आजकल फ्लेम में है और ये उनकी नई किताब कभी-कभी और इनके बड़े अच्छे तर्जुमे आने वाले हैं बहुत से छप चुके हैं जन्म जन्म जुनू में हम इनकी किताब है हमारे दोस्त रियाज की और ये किताब यहाँ अवेलेबल है तो आप ये किताब ज़रूर ख़रीदिए आपने ये एक सुनाया बहुत अच्छा किया कि एक छोटा सा मज़ा मिलता है इसलिए कि साहब गुफ्तगू करने में उतना मज़ा नहीं है जितना शेर सुनने में मज़ा आता है तो आपने सुनाया इसका बहुत शुक्रिया मुझे मालूम नहीं कि कितना वक्त बाकी है अगर है तो मैं एक छोटी सी यार नज़्म सुना दूँ आपको तो शायद शुक्रिया 5 मिनट्स ओके इसको होल्ड करना पड़ेगा खतरनाक एक आदमी के हाथ ये नज़्म है अज़रा अब्बास की अज़रा अब्बास की ये नज़्म है बहुत अच्छी शायरा हैं और मैं इसका उर्दू नहीं पढ़ता हूँ आपको अंग्रेज़ी सुनाता हूँ इसलिए कि वक्त कम है तो आप अंग्रेज़ी सुन लीजिए इसका उर्दू में उन्वान है मेज़ पर रखे हुए हाथ My translation hands lying on a table. My hands lie on a table. I lift them up. They remain lying on the table and smile. It's difficult to tell one's own 2 hands with hands lying on the table. I pull them up, but they don't move.
They remain lying on the table. The teeth bitten hands, दांतों से उठाया. The teeth bitten hands, stagnant and staring. I also stare at them. The color of the table fills my eyes. And the last three lines, I close my eyes, I go to sleep, resting my hand on the hand lying on the table. Thank you, Anisha. Thank you. Bahut, bahut. Once again, bahut, bahut mubarakbad. Hum sabko is kitab ke liye aur ye aur inshallah aage bhi aap aisi mazid cheeze hamare samne laate rahe. Ye jo unki kitab hai zikr, uske hawale se kuch baatein aapse kare. Ye session bahut khoobsurat hone ja raha hai, to intezar kijiye. Maroof adakara Shabana Azmi sahiba ka aur maroof film saaz Muzaffar Ali sahib ka. Tashreef laaiye Shabana Azmi sahib. Muzaffar Ali sahib se darkhaast karunga. Maroof film saaz Muzaffar Ali sahib tashreef laaye. Zordaar taaliyon se unka istiqbaal karenge. Muzaffar Ali sahib. گفتگو میں مونیکا صاحبہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. ایک کرسی کا انتظام کیا جائے جلدی سے. والنٹیئر ہمارے, ہاں ایک چیئر لے لیجیے گا, ایک سیکنڈ, ہاں ایک چیئر آ رہا ہے جی, آ رہا ہے, جلدی لائیے جلدی. تو دوستو یہ اب یہ سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. مظفر علی صاحب, نونکا جی اور معروف اداکارہ شبانہ آزمی. ایک تو اس سے پہلے کہ ذکر کا ذکر ہو, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس وقت سیدھا جدہ سے پہنچی ہوں اور یہاں آپ لوگوں کو اتنی تعداد میں دیکھ کے مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے اس کا میں بیان نہیں کر سکتی. اور خاص طور سے یہ کہ کتنے نوجوان لوگ یہاں بیٹھے ہیں. تو جیتے رہیے آپ سب لوگ. جی نانکا, آداب, نمسکار. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک شبانہ جی اینڈ مظفر صاحب ٹو لانچ دا بک سو ٹو اسپیک اینڈ وی مسٹ گیو دیم اے بگ. اب آپ دیکھیے کہ میرے سامنے دو اتنی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں تو مجھے کیا کہنا چاہیے. شاید خاموش رہنا چاہیے مگر میرے دل میں اتنے سوال ہیں کہ شاید وہ آدھے گھنٹے میں ختم نہیں ہوں گے. تو میں شروع کرنا چاہتی ہوں کہ اس کتاب سے جس کا ٹائٹل ہے ذکر ان دا لائٹ اینڈ شیڈ آف ٹائم. اور یہ ایک ایسی ادبھت کتاب ہے اور آپ یہ بھی سوچیں گے کہ میں کون ہوں. میں ایک ہسٹورین ہوں جو ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں یہاں پر؟ میں یہ کر رہی ہوں کہ میں جو یہ آج ہسٹری, میموری, لٹریچر, اس کا ایک سنگم ہو رہا ہے, یہ ایک طریقے کی یو نو ملاپ ہو رہا ہے اور یہ سب اس کتاب میں ہمیں پڑھنے کو مل رہا ہے. مظفر علی سے ہم سب واقف ہیں, ان کو تعارف کی, ان کو انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنے بڑے ہیں کہ کئی بار ورڈز فیل آس. پر جو اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک جیتی جاگتی فلم اور ایک جیتی جاگتی تاریخ ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی, جو ہمیں یونیورسٹیز میں نہیں ملتی, جو ہمیں کسی آرکائیوز یا اسکالرلی پرسیوٹس میں نہیں ملتی. وہ ایک ایسے فلم میکر کی زبان سے ملتی ہے جو کہ بہت ہی یونیک ہے, جو کہ ایک پوئٹ کی زبان ہے, جو کہ ایک بول کر پاٹ
पानी निकली हुआ है इस पे जो खेल रहे हैं सारे परेशान हो जाते हैं। हाँ बहुत होना पड़ता है ना। समा पीछे छूट गई आई थिंक। चलो कोई नहीं, अभी मैं कॉल करके बुला लूंगा। पागल हो गई है रेखता के पीछे, सुनाई नहीं पड़ रहा उसकी आवाज। इतने भीड़, इतनी भीड़ के कैमरे में भी नहीं आ रही है ना पैसा। और अभी तो निकलने के बाद सामान तो ऑटो मिलेगा ना ही और कुछ मिलेगा, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। लगाया है ना यही सब मदन सारी है जो YouTube पे वो बनाता वीडियो वगैरह। अद्भुत अतुलनीय वाला भीड़ है, अतुलनीय कसम से मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी ऐसे। अच्छा सुनने गया है क्या? बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। अरे भीड़ है कि हमें फूड कोर्ट में घंटों लाइन लगाना पड़ेगा फिर भी नहीं मिलेगा खाना। इश्क में कई काम कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, कमाल करते, दाग दाग दे लेते हैं। ये भुला याद भी रहता है, सारी याद रहती है, अच्छी मतलब सबकी सारी सारी याद रखते। बहुत ही ज्यादा भीड़ है। सभा समा तेरे जन्मों ने मेरी जान मुझे मैं हार दिया, तेरी चाहत का हसी जाम पिया है मैंने, तेरी चाहत का हसी जाम पिया है मैंने, बेखुदी में भी तेरा नाम लिया है मैंने, बेखुदी में भी तेरा नाम लिया है मैंने, तेरे नशे के मुकाबल कोई नशा क्या है, तेरे नशे के मुकाबल कोई नशा क्या है, तेरे खुमार सा कातिल कोई नशा क्या है, तेरे खुमार सा कातिल कोई नशा क्या है, इश्क कर ना हो तो इस दुनिया में रखा क्या है, आशिकी से बड़ा सरमाया है जाना क्या है, मुझसे महबूब मेरे प्यार मोहब्बत की तू मांग, मेरी चाहत का खजाना मेरी मोहब्बत की तू मांग। शुक्रिया, मेरा आरिफ दिल्ली का नंबर है, दिल्ली का 9953983993। मुझे यूट्यूब पे फेसबुक पे देखिए आप। कैश काउंटर है यहाँ पर, बहुत गंदी वाली भीड़ है भाई। अच्छा इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से मोहब्बत करके देखो ना, क्यों मोहब्बत क्यों नहीं करते। सही बात है।
सही बात है, हर बीमारी का इलाज मोहब्बत है। एक्सट्रीम लेवल की भीड़। आज जिसने रखता का लास्ट दिन था शो का, और बहुत ही ज्यादा भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़। और हम लोग अब निकल रहे हैं अपने अपने घर को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की भीड़ है। काफी हद तक शो खत्म हो गए हैं, अभी ऋचा शर्मा का शो बाकी है, लेकिन इस भीड़ में तो सुन नहीं पाएंगे। तो फिर हम लोग निकलते हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आप लोग को भीड़। देखिए पहले, मजे से ज्यादा थकान हो रही है और चलने में दिक्कत हो रही है। हाय 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 हाय, हम कहाँ दिख रहे हैं? इधर लोग दिख रहे हैं, सब चीजें छोड़ दीजिए, स्टार्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा भीड़ है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये एंकर है, ये एंकर है कोई। हाँ ये नहीं है, इसके पहले भी थी। मैं भी वही सोचू, इतनी गजब पर्सनालिटी उसकी लगती है, ये कहाँ से आ गई। आवाज इधर भी बढ़ाओ भाई। ना जी भर के देखा ना बात की, बड़ी आरजू है मुलाकात की। क्या बात, ना जी भर के देखा ना बात की, बड़ा आरजू है मुलाकात की।